दोस्तों ड्राइवर जो है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ड्राइवरों के लिए पैसा कमाना आज की डेट में बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। गाड़ियों की ईएमआई भरना भी बहुत टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि इतना काम नहीं है सबके पास कि गाड़ियों की ईएमआई भर सके, अपने घर का खर्चा भी चला सके, बच्चों को पढ़ा लिखा सके। ये सब बातें आज की डेट में समझो कि भाई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हो गया। लेकिन लेकिन यही हम लोग मार खा रहे हैं चालानों की वजह से। रास्ते में जहाँ भी गाड़ियाँ जाती हैं उसके पास चाहे डॉक्यूमेंट पूरे हो, कोई ना कोई कमी निकाल कर चालान कर दिए जाते हैं। आखिर ऐसा ड्राइवरों के साथ क्यों किया जाता है? जहाँ देखो टैक्सी ड्राइवरों को पीट दिया जाता है, ऐसा ड्राइवरों के साथ ही क्यों किया जाता है? हमें आज तक ये जो बातें पता नहीं चल पा रही हैं, आखिर क्या दुश्मनी है ड्राइवरों से? अभी हमारे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या हुआ है कि ये पॉइंट टू पॉइंट का चालान कर दिया भाई का 10,000 रुपये का। हालांकि पहले भी 3 3 महीने पहले एक अफवाह चली थी या सही सच था कि कई सारे रिकॉर्डर कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही थी कि पॉइंट टू पॉइंट के चालान कर रहे हैं, उस टाइम लोगों के अंदर काफ़ी भय हो गया था, बहुत सारा भय हो गया था, जिस कारण लोग गाड़ी चलाना भी बंद कर दिए थे। जितने भी ड्राइवर थे उसके परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अभी आज जो है 11 नवंबर की जो स्लिप है, जो कि मयूर विहार से पिकअप है, एयरपोर्ट के लिए ड्रॉप है, तो इसका क्या हुआ है कि गाड़ी लेके जा रहे थे तो इनका चालान हो गया 10,000 रुपये का पॉइंट टू पॉइंट। अब दोस्तों 10,000 का पॉइंट टू पॉइंट चालान हो गया, इन्हें टाइम मिल गया 3 महीने का, लेकिन अब ये चालान कोई 100 200 रुपये का तो है नहीं, अब इसे कैसे भरेंगे? आखिर गाड़ी की ईएमआई भी देनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, क्योंकि चाहे स्कूल बंद रहे चाहे खुले रहे उन्हें तो फीस से मतलब होता है। लेकिन ड्राइवरों के लिए पैसा कमाना इतना टफ हो गया आज की डेट में कि गाड़ी चलाना छोड़ो, ड्राइवर चाहते हैं कि गाड़ी न चलाएं, लेकिन न चलाएं कि करेंगे क्या, फिर कहाँ करेंगे नौकरी, कहाँ करेंगे, नहीं है कहीं भी जगह ड्राइवरों के लिए। एक बार मैं ही आपके बता आपको बता देता हूँ, मैं जब गाड़ी चलाता था पहले और मैंने गाड़ी बंद करके फिर मैं गया कि कहीं नौकरी कर लेता हूँ, तो एक कंपनी में गया था। कंपनी में जाते ही मैंने कई कंपनियों में ढूंढा, कई कंपनियों में ढूंढा भाई, परेशान हो गया था कि जी नौकरी है कहीं, ड्यूटी है मेरे लिए, क्या करते हो? मैं कि सर गाड़ी चलाता था, अब मैं क्या, तो कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी बंद है। हर एक कंपनी में मुझसे सिर्फ एक बात कही गई कि हमारे यहाँ पे ड्राइवरों के लिए भर्ती नहीं होती, यानी ड्राइवरों को काम बेस पे नहीं रखा जाता है। मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों है, क्या हम वर्कर लाइन में काम नहीं कर सकते या हम इंसान नहीं हैं? लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था मुझसे कि हम किसी भी ड्राइवर को अपने यहाँ पे काम पे नहीं रखते। मैंने कहा क्यों भैया, क्या रीज़न है? लेकिन मुझे बाहर से ही बाहर वापस कर दिया जाता था। तब मैं इतना परेशान हो गया था भाई करूँ क्या, लेकिन फिर दोबारा मेरे पास कोई चारा नहीं था, फिर दोबारा से मैं गाड़ी जॉइन कर ली, चलाने लग गया। लेकिन फिर बाद में मैंने, आपने देख पा रहे हो, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को नई नई जानकारी दी, नई नई अपडेट दी, जो भी हमारे पास परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे ड्राइवर जुड़े हुए हैं, जो हमारे परेशानी बताते हैं हम आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि आप लोग सावधान रह सकें। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन अभी पहले इस वीडियो को देखते हैं जो भाई के साथ जो जो भी हुआ है घटना, ये खुद बता रहे हैं, इन्होंने खुद ही वीडियो जो रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल से, तो एक बार चालू कर लेते हैं। दोस्तों ये देखो, ये चालान आज मेरा कटा है UP 32 HN 0208। मेरा नाम नैन कुमार, मेरा टोटल डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। और ये अटेम्प्ट वन अटेम्प्ट टैक्सी एंड रजिस्टर्ड आफ्टर आर नॉट ऑथराइज टू पिकअप और ड्रॉप पैसेंजर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद इन दिल्ली NCR, वायलेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, वायलेशन ऑफ परमिट कंडीशन, इतना ठीक है। ये देखो, द वायलेटर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द कोर्ट डेट एंड टाइम, पर्सनल अपीयरेंस, फरवरी 10, 2022 इतना बजे, द कोर्ट के नुपुर गुप्ता एम, ठीक है। ये एक चालान है, देखो भैया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। वायलेटर पॉइंट ऑथराइज टू पिकअप और ड्रॉप पैसेंजर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद इन NCR, वायलेटर, ये
मैं 10,000 का मेरा चलान है। अब दोस्तों देख पा रहे हो आप, 10,000 का चालान हो गया, एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ, कहाँ पर भरा जाएगा, किस तरीके से कटा, पॉइंट टू पॉइंट का कटा, ये भी इसमें लिखा हुआ है, परमिट वॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। लेकिन हम सिर्फ आप लोगों को सतर्क करते रहते हैं, इस वजह से हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि थोड़ा दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपकी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है तो थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा सावधान रहना। और जो भी भाई ने बता दिया आप देख पा रहे हो एंड में जो बताया था, उसे थोड़ा फॉलो भी करते रहना, ठीक है? और नहीं देखा तो थोड़ा बैक करो वीडियो और दोबारा से देख लीजिए। तो भैया बस इतना ही है वीडियो में और कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि भैया 10,000 का चालान कोई ये वही नहीं, 100 250 रुपये का नहीं है, जो कि हर कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ेगा जेब में भर देगा। अगर एक गाड़ी की मानोगे तो 1 महीने की EMI चली जाएगी। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, हम भी आवाज़ उठाएंगे सभी के लिए कि ये जो चालान हो रहे हैं ना हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।